हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेक्चर के अंदर स्वागत है, जहां पर हम क्या आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट 50 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्टैटिक GK। तो जो जितने भी टॉपिक आज 3 बजे के लेक्चर्स के अंदर जितने भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं, मतलब मेरी क्लास के अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं इंडियन रेलवे एग्जाम्स के मद्देनजर और तमाम एग्जाम्स के मद्देनजर जहां पर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन सभी का एक रिवीजन टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक MCQ आपके समक्ष लेकर मैं हाजिर हूं। तो जल्दी से इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो सके और इसका टेस्ट दे सके। तो बहुत ही एक क्विक सेशन होगा जहां पर 50 क्वेश्चन हैं। मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा, टाइमर भी लगा दूंगा आपके लिए और आपको उसी टाइम के अंदर जवाब देना है और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और 30 सेकंड्स का टाइमर जो है वो लगाया जाएगा और यहां पर आपको आंसर देना है और आंसर मैं दिखाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट करना है या नोट डाउन करना है और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ेंगे और मेरी पैनी निगाह आपके ऊपर बनी रहेगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है और जिस क्वेश्चन में जरूरत महसूस होगी कि उसको थोड़ा डिटेल में समझाया जाए मैं जरूर समझाऊंगा, लेकिन मैं फिर से आपको इत्तला कर दूं ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम कवर कर चुके हैं और उसी टॉपिक में से आज ये रिवीजन टेस्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम्स को लेकर, तो बढ़ चलते हैं। लेकिन यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस लाइव स्ट्रीम को कि और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सकें। और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। डैश डे वॉज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 13th February, इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को? नेशनल साइंस डे, वर्ल्ड रेडियो डे, नेशनल सिक्योरिटी डे या वर्ल्ड सोशल डे जस्टिस डे? तो यहां पर आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सा दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। एग्जैक्टली, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, हेलो टू ऑल ऑफ यू। और यहां पर आपको आंसर देना है फर्स्ट क्वेश्चन का। अश्विन जी, आपका ध्यान जो है अब MCQ की तरफ आना चाहिए, तो कृपया आप यहां पर फोकस करिए और इसका आंसर दीजिए। एग्जैक्टली, तो अश्विन जी आपका उत्तर आ चुका है और भी स्टूडेंट जो है यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और उसके बाद सदाफ शहनवाज का भी उत्तर आ चुका है और भी स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए। और हम अब यहां पर यश भगत जी का भी उत्तर आ चुका है, तो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इसका उत्तर जो है यहां पर इसका आंसर देते हैं। एग्जैक्टली, हरकिरण कौर, रूबीना ताकी और नीलोफर, ये सभी, सरताज सिंह, सभी इसका उत्तर सही दे रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या इसका आंसर है। बिल्कुल सही, वर्ल्ड रेडियो डे जो है इसका राइट आंसर है, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। आगे बढ़ते हैं और एग्जैक्टली, और संजय सर का कहना है वैलेंटाइन वीक के अंदर किस डे मनाया जाता है। यहां पर संजय सर को पकड़िए आप, मतलब यहां पर किस किस तरह की बातें जो है बच्चों को सिखा रहे हैं। तो यहां पर संजय सर का कहना है किस डे, लेकिन GK वाला टीचर हूं मैं और मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा और यहां पर वर्ल्ड रेडियो डे इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नीचे के एडवर्टीजमेंट को हटा दे। बिल्कुल सही, धन्यवाद। और यहां पे सेकेंड क्वेश्चन, द पावर टू इश्यू रिट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एनविसेज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, इनमें से किस अनुच्छेद के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रिट जो है उसको ऐलान करने का एक अधिकार दिया गया है। इसमें से राइट आंसर बताना है आपको, किस अनुच्छेद के अंदर सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, आर्टिकल 31 या आर्टिकल 25? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, समय आपका बीत रहा है यहां पर। चलिए, बच्चे हंस रहे हैं, हंसना भी जरूरी है, टेंशन फ्री भी होना जरूरी है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम, मतलब ये इसका आंसर दीजिए आप कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट को इश्यू करती है, 226, 32, 31 या 25? चलिए, इसका भी उत्तर आना शुरू हो चुका है। चलिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट पूछा, अश्विन जी आप प्लीज इसको थोड़ा सा सही करिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूछा गया है कि किस आर्टिकल के अंदर, देखिए कई बच्चे यहां पर गलत उत्तर दे रहे हैं, देखिए, और राइट आंसर इज सेकंड का बी, आर्टिकल 32। देखिए ध्यान से सुनिए इस चीज को, रिट वाला चैप्टर अच्छे से कराया था और रिट जो है वो दो जगह से इशू किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं और 226 हाई कोर्ट, 226 हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहां पर पूछा गया और आंसर इज 32, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 226 हाई कोर्ट के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज सेड टू बी गारंटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम, आपकी पर्सनल आजादी का
कौन सा रिट जो है यहां पर आपको गारंटी देता है पर्सनल आजादी, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो या सर्टियोरारी, मतलब इनमें से कौन सी याचिका डालकर आप अपनी आजादी की डिमांड कर सकते हैं भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। एग्जैक्टली रिचुन बिस्वाल, गौरव कुमार, अरविंद कुमार, हरकिरण, अंशित असलम, अश्विन हिमबंधु, आप सभी का पार्टिसिपेशन लाजवाब है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के मध्य इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सकें। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर एग्जैक्टली तो काजल राणा जी बिल्कुल, अश्विन जी यहां पर आपका उत्तर जो है जय माता दी के साथ आया है, इस तरह से तुक्के मत लगाइए, बिल्कुल राइट अप्रोच के साथ आंसर दीजिए। लेकिन यहां पर देखते कि राइट आंसर क्या है, तो बिल्कुल माता रानी ने आपका साथ दे दिया, हैबियस कॉर्पस इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मींस टू हैव अ बॉडी, मतलब कोई भी आपको रॉन्गफुली, मतलब कोई भी गवर्नमेंट या पुलिस अधिकारी आपको रॉन्गफुली डिटेन, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, उनको एक अथॉरिटी चाहिए, उनको एक बॉडी चाहिए और आपके खिलाफ आरोप तय करके ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, हु कैन रिमूव द सर्विस ऑफ अ मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के मेंबर्स को कौन रिमूव कर सकता है उनके पोस्ट से, राष्ट्रपति, राज्यपाल या पार्लियामेंट या लॉ मिनिस्टर, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को कौन रिमूव कर सकता है उनके पद, उनके पोस्ट से, राष्ट्रपति, राज्यपाल या पार्लियामेंट या लॉ मिनिस्टर, जल्दी से। सरताज सिंह जी बिल्कुल, मैं इसका हिंदी में ही अनुवाद कर रहा हूं और आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट करके उन चीजों को लिख लेना है, बहुत ही सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज में मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका मैं हिंदी में अनुवाद भी कर रहा हूं। समय और घड़ी की जो टिक टिक है वो भी घटती जा रही है और आपको इसी समय के अंदर आंसर देना है। 50 क्वेश्चंस हैं, उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना है हमने और दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको आते हैं आंसर दीजिए, अगर आपको नहीं आते तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए और इसको नोट डाउन करके कहीं रखिए जरूर, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ समय समाप्त होता है और फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर जो है यहां पर आना शुरू हो चुका है और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं एग्जैक्टली राइट आंसर दे रहे हैं, मतलब इनका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। राष्ट्रपति इज द राइट आंसर, बिल्कुल हिमबंधु, हेमंत, राजीव, अशोक, भूपिंदर, असलम, अंशित, राज, जसपाल, अश्विन, हरकिरण, यू ऑल आर राइट माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। प्रेसिडेंट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। इनमें से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई थी, इनमें से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई थी, मतलब तीन किताबें इस चार ऑप्शन में से तीन किताबें मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं, एक किताब नहीं लिखी गई है, आपको उसी किताब को चुनना है, मतलब ऑड वन आउट, मतलब ऑड चीज को निकाल दीजिए और उस चीज का आंसर दीजिए। एग्जैक्टली राजीव वर्मा जी कोई बात नहीं, सुनील राजपूत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करिए, आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। और निर्मल सिंह, अभिषेक सोनी, बहुत बढ़िया। चलिए एग्जैक्टली सरताज सिंह, अभिषेक सोनी, हाजिर अली, गौरव कुमार शर्मा, चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर उत्तर आप सभी का आ रहा है। और गाइड, गाइड के ऊपर मूवी भी बनी थी और गाइड जो है वो नहीं लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, गबन, गोदान और मानसरोवर, ये तीनों मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। सिक्स क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, द फेमस बुक आनंद मठ वॉज ऑथर्ड बाय, फेमस बुक आनंद मठ किनके द्वारा लिखी गई है, इन सभी ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन को चुनना है, किनके द्वारा आनंद मठ नाम की किताब को लिखा गया, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, श्री औरोबिंदो या रविंद्रनाथ टैगोर। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और इसी स्पीड के साथ हम बढ़ते रहेंगे, टाइमिंग आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। छठे क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए, जिस तरह से आप करंट अफेयर्स द वेकअप शो के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, विद इन 5 to 10 minutes हमारे 10 to 12 क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसी तरीके से आपने चलना है। और टेक्निकल टीम भी यहां पर बी ऑप्शन को टिक कर रही है और यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल, चलिए और कई स्टूडेंट्स जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी।
आनंद मठ बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा और इसी आनंद मठ किताब से वंदे मातरम नाम के गीत को चुना गया हमारे नेशनल सॉन्ग के लिए, राष्ट्रीय गीत के लिए। तो वंदे मातरम पूछा जाता है कि किस किताब से लिया गया, वंदे मातरम इज डिपिक्टेड फ्रॉम विच बुक, तो आनंद मठ इज द राइट आंसर एंड आनंद मठ इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड कैंसर दिवस जो है उसे कब मनाया जाता है, 2 मई, 18 जुलाई, 4 फरवरी या 17 नवंबर। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। बिल्कुल, चलिए यहां पर टाइम ठीक है अश्विन जी, 30-35 मिनट्स जो है क्लास का सेशन भी होना चाहिए, इतना जल्दी भी किस किस चीज के लिए कहां जाना है आपने, आज लगता है फ्राइडे है, कोई मूवी का प्लान तो नहीं है आपका, तो यहां पर कोई जल्दी नहीं है, 30-35 मिनट्स हम जरूर लेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे और यहां पर आपके आंसर्स को भी देखेंगे। एग्जैक्टली, हाजिर अली, राजीव वर्मा, आकाश परिहार, अशोक साहू, हरप्रीत, हेमंत मित्तल, निर्मल सिंह, हरकिरण कौर, मनोज प्रधान, अभिषेक सोनी, आशीष मोहंती, यश भगत, आरिफ राजीव, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर जो है हर्षद पूनिया, हरजोत कौर, हरकिरण, बहुत बढ़िया आप सभी का उत्तर, जेनिफर, भूपिंदर, राज, अशोक, अरविंद, असलम, बहुत बढ़िया उत्तर सभी का और बिल्कुल राइट आंसर 4 फेब इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4 फरवरी। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, मतलब मेरी सच्चाई के साथ कुछ प्रयोग, तो इस किताब को किन्होंने लिखा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इस किताब के लेखक का नाम बताइए, महात्मा गांधी, माइकल एंडरसन, विंस्टन चर्चिल या जॉनिस मॉरिस, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। एक्चुअली अंकुर सिंह जी, यहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम कह सकते हैं कि मैथ की क्लास नहीं हो पाई, संजय सर भी बैठ के थोड़ा उदास है कि मैथ की क्लास क्यों नहीं हो पाई और यहां पर संजय सर इसी चीज को लेकर थोड़ा सा उदास हैं। आप प्लीज संजय सर के लिए एक जो भी एक मैसेज है आप दीजिए कि संजय सर प्लीज उदास मत होइए और आपका लेक्चर बहुत जल्दी होगा और हम दुआ करते हैं कि एक दिन में 3-3, 4-4 लेक्चर उनके हो। और यहां पे अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर भी आना शुरू हो गया और 8वें क्वेश्चन का आंसर जो है एग्जैक्टली महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इज द राइट आंसर। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो है इसका ऑथर कौन रहे, तो महात्मा गांधी, बिल्कुल सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन April 7 एवरी ईयर, तो 7 अप्रैल को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है, इनमें से इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस या वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, आपको बताना है कि 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है। एग्जैक्टली, चलिए महात्मा गांधी, बिल्कुल सही उत्तर। सेवन अप्रैल को मेरा बर्थडे नहीं, मेरा बर्थडे तो 13 जैन को आता है और 7 अप्रैल को हमारे IBT के कर्ता धर्ता मनवीर सर और प्रदीप सर का बर्थडे आता है, तो आप उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी विश कर दीजिए फिर से 7 अप्रैल को, मनवीर सर, प्रदीप सर जो IBT मेक माई एग्जाम के कर्ता धर्ता और हमारे भाइयों से भी बढ़कर हैं, तो 7 अप्रैल को उनका डे आता है, बर्थडे आता है। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या है, चलिए तो राइट आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो बड़े ही मतलब आप कैसे दिए स्वस्थ भी है हमारे सर और वर्ल्ड हेल्थ डे, इससे आप याद रख लीजिएगा, तो मजाक मजाक में अगर चीजें याद हो जाएं तो इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 24 एवरी ईयर, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है हर साल, आपको बताना है। देखिए मैंने कोशिश करी है कि हर टॉपिक से 2-2, 4-4 क्वेश्चंस जो है आपके सामने रखे जाएं जो हम लोग कर चुके हैं, तो एक रिवीजन का बेटर तरीका हो सकता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने चुन रखा है जो आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहां पर एग्जैक्टली अश्विन जी का पहला उत्तर आ चुका है, गौरव कुमार शर्मा जी वो आपको धन्यवाद कह रहे हैं यहां पर, और चलिए हेमंत मित्तल जी भी बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर को, मेरा बर्थडे नहीं सर का बर्थडे, और यहां पर अश्विन जी का आंसर आ चुका है, अश्विन जी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो सकता है, देखते हैं कि उत्तर सही है कि नहीं है। टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस, फर्स्ट ऑप्शन आंसर दे रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखते हैं, एग्जैक्टली द फर्स्ट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो 10th का राइट आंसर इज ए, दैट इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, हु इज द राइटर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स,
स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम की फेमस कहानी के लेखक का नाम बताइए यहां पर। बहुत ही फेमस किताब, बहुत ही फेमस बुक आपको बताना है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड। उसके ऊपर एक सीरियल भी आता था, इज बेस्ड ऑन अ नॉवेल, स्वामी एंड हिज फ्रेंड, मालगुडी डेज भी बोलते हैं उसको हम। और आपको बताना है स्वामी एंड हिज फ्रेंड जो है नाम की किताब को इनमें से किस राइटर ने लिखा। एग्जैक्टली काजल राणा, अंशित श्रीवास्तव, असलम खान, आकाश परिहार, राजीव वर्मा, अरविंद कुमार, आप सभी का उत्तर यहां पर बिल्कुल। और पार्टिसिपेशन मोर ओवर बहुत बढ़िया आपका पार्टिसिपेशन। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं जो बार बार हमारी तरफ से और हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से की जाती है कि आपको करना क्या है, तो इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे स्टूडेंट्स और भी जुड़ सके हमारे साथ। तो आगे बढ़ते हैं और जानते इसका राइट आंसर। एग्जैक्टली आर के नारायण इज द राइट आंसर, आर के नारायण इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया यहां पर सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है। अभिषेक जी, मैक्स मूलर नहीं है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स जो है रिटन बाय एंड रोट बाय आर के नारायण। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वी इंडियंस, वी इंडियंस नाम की किताब को किन्होंने लिखा, इनमें से किस राइटर ने वी इंडियंस नाम की बुक को लिखा, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। सी चौधरी, सुब्रमण्यम स्वामी, खुशवंत सिंह या मुल्क राज आनंद, जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। एग्जैक्टली शायक मुजाहिद, राजीव वर्मा, अशोक साहू, हरप्रीत, काजल राणा, सपना शर्मा, बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन। हिमबंधु बेहरा, बहुत बढ़िया। तो आपको जल्दी जल्दी उत्तर देना है कि जिससे हम आज के इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज को कवर कर सकें। और इसी तरह से क्विक स्पीड के साथ शताब्दी वाली स्पीड पकड़ लीजिए आप, और आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी आएगा तो उससे पहले बुलेट ट्रेन वाली स्पीड पकड़ते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं जो हम लोगों ने अपने सेशन में किया हुआ है। एग्जैक्टली खुशवंत सिंह इज द राइट आंसर, वी इंडियंस नाम की किताब को किन्होंने लिखा, खुशवंत सिंह, बहुत ही फेमस राइटर। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हु रोट हर्ष चरित, आपको बताना है हर्ष चरित नाम की बुक को किन्होंने लिखा, जिसके अंदर हर्ष चरित के अंदर चरित का मतलब क्या होता है, करेक्टर। हर्षवर्धन नाम के राजा का पूरा करेक्टर, उनकी राज व्यवस्था का वर्णन इस किताब में किस राइटर ने किया, वेदव्यास ने, अश्वघोष ने, बाण भट्ट ने या भरत मुनि ने, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा 13th क्वेश्चन का। काजल राणा जी कोई बात नहीं, आप यहां पर ये आंसर देख लीजिएगा और उसके बाद उसका उत्तर दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। यहां पर इसी तरह से हम पार्टिसिपेशन करते रहेंगे। देखिए यहां पर राइट आंसर आना शुरू हो चुका है, कई स्टूडेंट्स सी बोल रहे हैं, कई स्टूडेंट्स बी बोल रहे हैं, अश्विन बी बोल रहे हैं, अशोक बी बोल रहे हैं, अभिषेक सोनी भी बी बोल रहे हैं। और चलिए क्या हो गया आप लोगों को, चाहे यहां पर चलिए गलती हो रही है यहां पर आप सभी से, बाण भट्ट इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन का राइट आंसर इज नॉट बी, अश्वघोष इज नॉट द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन का हर्ष चरित्र इज रिटन बाय बाण भट्ट, जहां पर उन्होंने हर्षवर्धन के राज्य व्यवस्था का पूरा वर्णन किया है। तो 13th क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज बाण भट्ट। जो यहां पे बी बोल रहे थे, प्लीज अपने आप को सही कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 14th क्वेश्चन की तरफ। भगवत गीता इज रिटन बाय, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, भगवत गीता किन्होंने लिखा, इसका उत्तर दीजिएगा आप। भगवत गीता इज रिटन बाय, चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। असलम खान, शायक मुजाहिद, काजल राणा, रेवत राज शर्मा, रेवत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चलिए अश्विन जी इतना शॉर्टकट भी मत चलाइए कि जहां पर शॉर्टकट ही आपको ले डूबे, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइप कर लीजिए, उंगलियों की एक्सरसाइज किया कीजिए, वेट्स वगैरह उठाया करिए इससे, और उंगलियों को मजबूत करिए जिससे टाइप कर सकें आप। और इतना ज्यादा शॉर्टकट भी यूज नहीं करना है कि जिससे टीचर्स ही कंफ्यूज हो जाएं, तो कोई बात नहीं। और यहां पर चलिए बहुत बढ़िया यहां पर पार्टिसिपेशन, और ए आंसर दे रहे हैं भगवत गीता का, और यहां पर बहुत बढ़िया। तो चलिए भगवत गीता इज रिटन बाय वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी थी, और इसका राइट आंसर भी ए ऑप्शन है, दैट इज वेद व्यास। और महाभारत के अंदर ही एक चैप्टर है जिसका नाम है भगवत गीता, जब अर्जुन को शिक्षा देते हैं कृष्ण विराट रूप दिखाकर, तो भगवत गीता जो है इज द चैप्टर ऑफ महाभारत, उसी के पर्व में, महाभारत के चैप्टर्स को पर्व बोलते हैं, और गीता जो है भीष्म पर्व के अंदर आता है, भीष्म का मतलब बहुत बड़ा चैप्टर वो आता है, और उसी के अंदर गीता का वर्णन। तो गीता इज इन द पार्ट ऑफ, इज द पार्ट ऑफ महाभारत, और महाभारत वॉज रिटन बाय महर्षि वेद व्यास। तो 14 का राइट आंसर इज ए, दैट इज वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। पंचतंत्र इज रिटन बाय, पंचतंत्र नाम की किताब को किन्होंने लिखा, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। प्रदीप सोनी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। और
अंशित, ओमवीर, गौतम, कमल खान, बहुत बढ़िया, काजल राणा, हाजिर अली, बहुत बढ़िया आपका नाम हाजिर जी, और हाजिर रहिए इसी तरह से आप हमारी क्लास के अंदर, बहुत खुशी होती है। और इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है, और अश्विन जी का उत्तर आया दीपक बिष्ट, हाजिर अली, एग्जैक्टली असलम खान, बहुत बढ़िया। और टाइम इसी के साथ समाप्त होता है और मैं आपको यहां पर इसका आंसर दिखा रहा हूं। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर इज विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा वाज द राइटर ऑफ पंचतंत्र। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु रोट प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका नाम की किताब को किसने लिखा, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और यहां पर आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो बताना है आपको प्रिय दर्शिका नाम की किताब को किन्होंने लिखा, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, प्रिय दर्शिका नाम की किताब को किन्होंने लिखा। चलिए यहां पर उत्तर टेक्निकल टीम की तरफ से भी आ रहा है और उन्होंने डी ऑप्शन को चुना, और आपको बताना है कि प्रिय दर्शिका नाम की किताब को किन्होंने लिखा, और आंसर यहां पर आना शुरू हो चुका है एग्जैक्टली। और देखते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन। चलिए तो 16th क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज डी, तो बी काफी स्टूडेंट्स बी दे रहे हैं, कलहन बोल रहे हैं, लेकिन 16th क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज हर्षवर्धन, हर्षवर्धन इज द राइट आंसर फॉर 16th क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 17th, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। अब हम अवार्ड वाले सेक्शन पे आ रहे हैं, तो ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। ज्ञानपीठ अवार्ड जो हमारे इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, मतलब साहित्य के फील्ड में सबसे ऊंचा अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसकी स्पेलिंग जे से स्टार्ट होती है, जननपीठ नहीं बोलते इसको, ज्ञानपीठ बोलते हैं। तो ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए, तो आपको इसका राइट आंसर देना है, 17th क्वेश्चन का राइट आंसर देना है आपको, और बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन वॉज द राइट आंसर, रेवत, अशोक, राजीव, कुलविंदर, शायक, हेमंत मित्तल, सौम्यदास, हरप्रीत, अशोक साहू। तो अब यहां पर आंसर आना शुरू हो चुका है 17th क्वेश्चन का भी, और अश्विन जी ने बी ऑप्शन को टिक किया है, और बहुत बढ़िया। समाना बोइना बालाजी, बालाजी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बढ़िया यहां पर। तो राइट आंसर इज आशा पूर्णा देवी, तो बिल्कुल सही, 17th का राइट आंसर इज आशा पूर्णा देवी, तो जो बंगाली राइटर थी। और हिंदी राइटर अगर आपसे पूछे, हु वॉज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू वॉन, महिला राइटर जिन्होंने ज्ञानपीठ जीता, तो दैट वॉज महादेवी वर्मा, पहली महिला राइटर जिन्होंने हिंदी के अंदर ज्ञानपीठ जीता, तो वो महादेवी वर्मा। और पहले हिंदी के राइटर कौन थे, तो सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ, हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की किताब को किस राइटर ने लिखा, इनमें से अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, सुबोध जावेडकर, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को आगे बढ़ना है, 30 मोर क्वेश्चंस रह चुके हैं और उसको जल्दी से समाप्त करेंगे हम, और आज का सेशन आपके लिए होपफुली बहुत अच्छा जाएगा, जो आपके पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यूज हैं, और आप इसको नोट डाउन करते रहिए और इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां पर एग्जैक्टली आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, तो एग्जैक्टली राइट आंसर इज खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह द राइट आंसर, तो 18th क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, दैट इज खुशवंत सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कमाल खान जी, चलिए कुछ आसान क्वेश्चंस भी होने चाहिए और कुछ मुश्किल भी, और इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट के साथ ही क्लास चलेगी। और यहां पर रेलवे एग्जाम के मद्देनजर ये सेशन चलवाया जा रहा है, जहां पर रेलवे के अंदर 10th लेवल का एग्जाम है, तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। विच वन इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ चेतन भगत, इनमें से कौन सा, ये सभी नॉवल जो है ना ये चेतन भगत के हैं, लेकिन आपको बताना इनमें से कौन सा नॉवल पहला नॉवल था चेतन भगत का, तो चेतन भगत के पहले नॉवल का नाम बताइए। चलिए आपके लिए आ गया थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, और यहां पर रेवत राज, रेनु शर्मा, रॉयल सरदार्स, नेहा जैन, राजकुमार, अभिषेक, असलम, शायक, अरविंद राठौर। और यहां पर बहुत बहुत मुबारकबाद अरविंद जी आपको कि आपने पहले आंसर दिया, इसी तरह से आंसर देते रहिए। और सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी इस मेहनत को देखते हुए आपको करना क्या है, तो इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल साइट्स के अंदर, और जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकें। और इसी के साथ समय समाप्त होता जा रहा है और यहां पर आंसर आना शुरू हो चुका है, तो अलग अलग आंसर आ रहा है, देखा ना, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर गया ना आपको, कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, और राइट आंसर इज एग्जैक्टली सी ऑप्शन, 5.71 वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ
चेतन भगत, 5.1 वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ चेतन भगत जिसके ऊपर कौन सी मूवी बनी थी, तो उसके ऊपर मूवी बनी थी 3 Idiots. तो 5.1 वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ चेतन भगत. उसके बाद 1 Night at Call Center, 2 States, 3 Mistakes ऑफ माई लाइफ, इस तरह के कुछ नॉवेल्स आए, लेकिन फर्स्ट नॉवेल वॉज 5.1. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 20th क्वेश्चन, फॉर विच बुक सलमान रश्दी विंस द बुकर प्राइज. किस किताब के लिए सलमान रश्दी को बुकर प्राइज मिला था, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. चलिए चलिए, कमाल खान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हाजिर अली जी, बहुत बार आपके नाम की तो तारीफ करी मैंने, हाजिर आपका नाम बहुत अच्छा है, और इसी तरह से हमारी क्लास में हाजिर रहा के लिए तो बहुत अच्छा लगता है. हाजिर आपका नाम तो मैंने आधा घंटा पहले बोल दिया था, और बहुत बढ़िया. चलिए शायक मुजाहिद, बहुत बढ़िया. चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और गौरव कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. हरकिरण कौर, बालाजी, कमाल खान, अश्विन, आकाश, प्रेक्षा, मिलन भास्कर, काजल राणा, बहुत खूब आप सभी का उत्तर यहां पर इस क्वेश्चन का भी आ रहा है. तो मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत ही फेमस बुक, मैन बुकर प्राइज मिला था सलमान रश्दी को इस किताब के लिए. और मिडनाइट चिल्ड्रन नाम की इस किताब को बुकर ऑफ द बुकर प्राइज भी मिला हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बुकर ऑफ बुकर प्राइज भी, एक स्पेशल प्राइज भी इस किताब को मिला हुआ है. और मिडनाइट चिल्ड्रन किस परिप्रेक्ष्य में यह कहानी लिखी गई थी, तो इसका बैकड्रॉप था 1975 के इमरजेंसी के ऊपर यह बुक लिखी गई थी. 1975 इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती हैं, तो उसी बैकड्रॉप पर यह बुक लिखी गई, मिडनाइट चिल्ड्रन, जो बहुत ही फेमस हुई, बेस्ट सेलर बुक, जिसको मैन बुकर प्राइज मिला सलमान रश्दी की बुक. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 21st क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट. मतलब किस अमेंडमेंट के थ्रू, किस संशोधन के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, जल्दी से बताइएगा आप. फंडामेंटल ड्यूटीज शुरुआत से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी. फंडामेंटल ड्यूटीज को मौलिक कर्तव्य शुरुआत में 10 थे, अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को किस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई थी, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. अभिषेक, शारदा, शारदा मीना, असलम खान, रेणु शर्मा, रोहित कुमार नायक, साधना खड़े, शायक मुजाहिद, प्रीति, सदफ, बहुत बढ़िया आप सभी का उत्तर यहां पर आ रहा है. और अश्विन जी, देखिए यहां पर यही जल्दबाजी करिएगा ना तो गलती जरूर होगी. और बिल्कुल कई स्टूडेंट्स यहां पर गलत उत्तर दे रहे हैं, और कईयों का बहुत बढ़िया उत्तर जो है वो आ रहा है, और बिल्कुल जिनका सही उत्तर आ रहा है वो 42nd को टिक कर रहे हैं. तो 21st का राइट आंसर इज डी, दैट इज 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. इससे बहुत सारे चेंजेस हुए थे, और एक चेंज ये भी हुआ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी को. 44 से क्या किया गया था, 44 से राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसको खत्म किया गया था. राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के तौर पे खत्म किया गया था 44 के द्वारा. 42 के द्वारा बहुत सारे चेंजेस हुए थे, उसमें से एक चेंज ये भी था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था. 22nd की तरफ बढ़ेंगे. द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, मतलब आपको बताना कि इनमें से किस भाग में फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो मेंशन्ड है, जल्दी से बताइएगा. जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. और दीपक राय जी, हिंदी में इसका अनुवाद कर रहा हूं मैं, और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि हम लोगों की हिंदी जो है, इंग्लिश इतनी भी कमजोर नहीं है कि हमें ये चीजें भी समझ में ना आए, और मैं हिंदी में इसका अनुवाद जरूर कर रहा हूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. आप समझने की कोशिश करिए, बहुत लेंथी हो जाएगा, और जब हम ऑलरेडी 100 से ज्यादा स्लाइड्स हैं, और अगर हम हिंदी भी इंक्लूड कर दें तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, और ये 30-35 मिनट्स में कंप्लीट नहीं होगा. तो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए आप सभी. और यहाँ पे न्यूज और जितनी सारी चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगे, लेकिन यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का ख्याल रखते हुए इस क्वेश्चन आंसर के दौर को आप इंग्लिश में चलने दीजिए. और यहां पर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, पार्ट 4A. तो 22 का राइट आंसर इज ए, दैट इज पार्ट 4A, इसके अंदर मेंशन्ड है फंडामेंटल ड्यूटी. आगे बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपको यह बताना है कि 42nd अमेंडमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम.
सिंपल सा क्वेश्चन है, 42nd अमेंडमेंट जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी को भी इनकॉर्पोरेट किया गया था, तो आपको बताना है कि 42वां संशोधन के लिए जो एक कमेटी बनी थी उस कमेटी के चेयरमैन का नाम या कमेटी का नाम क्या है, मल्होत्रा कमेटी, राघवन कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी या नरसिम्हा कमेटी, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और यहां पर 23वें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और इसका आंसर आपको देना है। और अभी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हम बिना रुके हुए यहां पर लगातार आपके लिए बोल रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, बस एक थोड़ी सी कोशिश करनी है, छोटी सी कोशिश करनी है, और लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है, लेकिन शेयर भी जरूर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और ये सेशन जो है और इंटरेस्टिंग बन जाए, और ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े और अच्छी अच्छी बातें जो है हम सीखें। तो 23rd का आंसर भी आना शुरू हो चुका है और एग्जैक्टली बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, मैं पहले एपिसोड से ही बात बोल रहा हूं कि मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल राइट आंसर देते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी इज द राइट आंसर, 23rd का राइट आंसर इज सी, दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी। 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज एट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताइए, न्यूयॉर्क, जेनेवा, वियना या टोक्यो, जल्दी से। दीपक राय जी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार जी एक्चुअली क्या है कि हिंदी में लिखेंगे ना तो वो देवनागरी मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती है, साउथ के स्टूडेंट्स भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स भी हैं, जम्मू के स्टूडेंट्स भी हमारे पास, तो हिंदी देवनागरी सभी को समझ में नहीं आती, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट सभी पढ़ लिख लेते हैं, और इसीलिए मैं इसको सिंपल इंग्लिश में उसका अनुवाद भी जरूर करता हूं। तो यहां पर जल्दी से करिएगा इस चीज को, और द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO इज एट, जल्दी से बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पे, WTO का हेडक्वार्टर कहां पे है, एग्जैक्टली राइट आंसर जिनेवा इज द राइट आंसर, तो बी 24 का राइट आंसर इज जिनेवा बी। आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है, जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए जिससे हम और जल्दी से इस सेशन की तरफ बढ़ चलें। और यहां पर 25th क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, और मैं 2 मिनट की छुट्टी लेकर आपसे आता हूं और विद इन 2 सेकेंड्स आपको ज्वाइन करता हूं, आप इसका आंसर दीजिए, मैं अभी गया और अभी आया। चलिए आगे मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो चुका हूं, और चलिए बहुत बढ़िया, और पेरिस बिल्कुल सही उत्तर आ चुका है, और 25th का राइट आंसर इज सी, दैट इज पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में जिसे दक्षेस बोलते हैं, दक्षेस का हेडक्वार्टर कहां पर है और सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, और 26th का राइट आंसर आना चाहिए, सार्क का हेडक्वार्टर, सार्क का मुख्यालय कहां पर है, पेरिस, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है पेरिस, लेकिन आपको बताना है 26th क्वेश्चन का आंसर, और 26वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, और इस क्वेश्चन की प्रतीक्षा में हम आपके सामने हैं। और एग्जैक्टली अश्विन जी यहां पर इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आना शुरू हो चुका है, और बिल्कुल सही उत्तर सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है, और काठमांडू इज द वेरी राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इज काठमांडू, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। बालपकड़म नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट, बालपकड़म नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाफट आज के सेशन के एंड की तरफ चल चुके हैं हम, और कुछ 20 क्वेश्चन हमारे सामने रह चुके हैं और उसको जल्दी खत्म करेंगे, रैपिड फायर की तरह खत्म करेंगे, यूसेन बोल्ट की तरह हम दौड़ेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिल्कुल हाजिर अली जी ज्यादा तंग करिएगा ना, ब्लॉक भी करवा दूंगा यहां से, इस क्लास को बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि सर यहां पे बैठे हैं हम जो मर्जी बोलते रहे और हम जो है वो करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा भैया, प्रोफेशन से लॉयर हूं, खींच के रख दूंगा यहीं पे, तो बिल्कुल संभल के नाम ले लिया, एक बार कितनी बार नाम ले लिया आपका, यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा सीखने आते हैं यहां पर, सीखिए और सिखाइए, हमें भी बताइए कुछ नई बातें और हमसे सीख कर जाइए कुछ बातें, और इसी तरह से चलते रहिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है, काम करिए यहां पर आकर। और बिल्कुल सही उत्तर सभी स्टूडेंट्स का, एग्जैक्टली बालपकड़म नेशनल पार्क इज इन मेघालय, 27 क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज मेघालय। 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट, संजय गांधी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, जल्दी से इसका उत्तर एग्जैक्टली चलिए
अक्षय भगत जी, बहुत बहुत अक्षय भागवत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बिल्कुल चलिए, और यहां पर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पर है, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। अरविंद राठौर, शायक गौरव कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहां पर उत्तर आना जो है वो शुरू हो चुका है। और एग्जैक्टली 28 क्वेश्चन का राइट आंसर इज महाराष्ट्र, 28 क्वेश्चन का राइट आंसर इज महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। और 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र। 29 क्वेश्चन की तरफ, हेमिस नेशनल पार्क इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, हेमिस नेशनल पार्क कौन से भारतीय राज्य में है, जेएनके, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। और 29 क्वेश्चन, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है इस फॉलोइंग स्टेट्स के अंदर, इन ऑप्शंस के अंदर, जल्दी से इसका उत्तर जो है वो दीजिएगा आप यहां पर। और हेमिस नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। और बिना रुके हुए हम आपके लिए यहां पर बोल रहे हैं, और आपसे भी उसी तरह के डिसिप्लिन की अपेक्षा है, जहां पर हम आने वाले समय में समाज को एक नई दिशा देंगे। हम युवा लोग, हम यंग पीपल जो है, आने वाले टाइम में समाज को एक नई दिशा देंगे। तो आपकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है और ये लाइव सेशन चल रहा है, तो प्लीज अपने डेकोरम में रहें और इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल सही दीजिए। और बहुत बढ़िया उत्तर जो आया है आप सभी का आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, ए ऑप्शन। 30th क्वेश्चन, हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब आपको बताना है थल सेनाध्यक्ष का नाम, आर्मी स्टाफ के चीफ का नाम, थल सेनाध्यक्ष का नाम। बिपिन रावत, बीरेंद्र सिंह धनोआ, सुनील लांबा या राजीव जैन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से उत्तर दीजिए। 30th क्वेश्चन, आर्मी स्टाफ के चीफ का नाम बताइए, थल सेनाध्यक्ष का नाम बताइए। संजू मीना जी, बहुत बहुत स्वागत। हरप्रीत, अमित कुमार, प्रवीण कुमार, अभिषेक, अक्षय, निरूपमा, यश भगत, मुदस्सर मलिक, आशीष सोनी, श्वेता कुमारी, हाजिर अली तो गायब ही हो गए, हाजिर अली जी आ जाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आइए आप यहां पर। और एग्जैक्टली राइट आंसर आ रहा है यहां पर, और बिल्कुल बिपिन रावत इज द राइट आंसर। 30th क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज बिपिन रावत। आगे बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन की तरफ, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का नाम बताना है आपको, यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए। ऑद्रे अजाउले, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, या अब्दुल कवि यूसुफ, या तकी हिको नकाओ। देखिए सभी के सभी कहीं ना कहीं के हेड जरूर है, तो यहां पर ऑद्रे अजाउलो, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, अब्दुल काफी यूसुफ, या तकी हुको नकाओ, कौन सा राइट आंसर है। तो बिपिन रावत बिल्कुल सही उत्तर है, आर्मी स्टाफ, लेकिन 31st क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम, और यहां पर आंसर देना है आप लोगों ने 31st क्वेश्चन का। और कई स्टूडेंट्स जो है टेड्रोस अधानोम को टिक कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स का। और राइट आंसर इज ऑद्रे अजाउले, ऑद्रे अजाउले ये लेडी है फ्रांस की, और ये ज्यूइस मूल की हैं, यहूदी मूल की हैं, ऑद्रे अजाउले जो यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल बनी हैं। और टेड्रोस अधानोम जो है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है, और यहां पर तकी हिको नकाओ जो है वो ADB के प्रेसिडेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। आगे बढ़ते हैं 32nd क्वेश्चन की तरफ, हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय का नाम बताइए, या ऐसे पूछ सकते हैं हु वॉज द फर्स्ट फॉरनर टू रिसीव भारत रत्न, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी का नाम बताइए, या पहले नॉन इंडियन, एक ही चीज है, विदेशी बोल लीजिए, फॉरेनर बोल लीजिए, या नॉन इंडियन बोल लीजिए, एक ही बात है। तो 32 का राइट आंसर दीजिए यहां पर, और जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन का आप सभी ने उत्तर दिया, लेकिन अब आपको उत्तर देना है 32nd क्वेश्चन का। और जल्दी जल्दी इसी तरह से 15-18 क्वेश्चन रह गए, उसको खत्म करेंगे, और इंपॉर्टेंट MCQ का सेशन जो है बड़ा लाजवाब सेशन चल रहा है। आपको क्या करना है, तो इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, और 100 पूरा करवा दीजिए। भैया क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, और नर्वस 80s या 90s में मरना नहीं चाहता हूं, तो प्लीज आप मुझे 100 पे पहुंचा दीजिए, हमारा प्रयास भी सफल होगा और आपका प्रयास जो है वो भी सफल होगा। बिल्कुल यहां पर आंसर आना शुरू हो चुका है, कुछ अलग अलग आंसर दे रहे हैं, कि ज्यादातर स्टूडेंट 80% स्टूडेंट्स बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। आज तक सिर्फ दो ही विदेशियों को भारत रत्न दिया गया, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान दो ही विदेशियों को मिला है, फर्स्ट वॉज खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता था, और दूसरे नेल्सन मंडेला। मदर टेरेसा विदेशी नहीं थी, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो चुकी थी,
33rd क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न. इनमें से देखिए पहले साल भारत रत्न तीन लोगों को दिया गया था, पहले वर्ष में भारत रत्न तीन लोगों को मिला था, बट इस ऑप्शन में से मुझे बताइए कि भारत रत्न पहला किसको मिला. इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि हु वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ भारत रत्न, प्रथम भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए इन ऑप्शंस में से जल्दी से. चलिए और यहां पे 33rd क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल सही उत्तर आना शुरू हो चुका है और एग्जैक्टली और 33rd का राइट आंसर इज सी राजगोपालाचारी. तो सी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया आल्सो. भारत के प्रथम और प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल आजाद भारत के सी राजगोपालाचारी जिनको ये अवार्ड दिया गया था पहला. इनके साथ सी वी रमन और इनके अलावा एस राधाकृष्णन को भी अवार्ड दिया गया था. 34th की तरफ चलेंगे. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी अवार्डेड द द्रोणाचार्य अवार्ड 2017. इनमें से किस पर्सनैलिटी को 2017 का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया. आपको बताना है कि इनमें से किस कोच को, कोच के लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है द्रोणाचार्य अवार्ड. इनमें से किस स्पोर्ट्स पर्सन को, किस कोच को 2017 का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया. जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. और जिन्होंने बिल्कुल मुरादुद्दीन, सुनील, अक्षय भागवत, शिवम दुबे, संजू मीना, मुकुल ठाकुर, अभिषेक, विवेक कुशवाहा, बहुत बढ़िया आप सभी का उत्तर यहां पर. और आपको आंसर देना है 34th क्वेश्चन का. और 34th क्वेश्चन का आंसर जो है, चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा. बिल्कुल कई उत्तर जो है गोपी चंद की तरफ जा रहा है, लेकिन गोपी चंद सिर्फ भ्रम डालने के लिए यहां पर. राइट आंसर इज GSSV प्रसाद. तो गोपी चंद जी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था यहां पर. देखिए इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज फेमस ऑप्शंस के साथ मत जाइएगा. जो राइट आंसर होगा उसी के साथ जाइएगा. 34th का राइट आंसर इज सी, दैट इज GSSV प्रसाद. देन हु इज द डायरेक्टर ऑफ द ऑस्कर विनिंग मूवी शेप ऑफ द वॉटर. अभी रिसेंटली 2018 का ऑस्कर अवार्ड मतलब दिया गया, तो उसके अंदर शेप ऑफ द वॉटर मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला. तो शेप ऑफ द वॉटर मूवी के डायरेक्टर निर्देशक का नाम बताइए. क्लाइंट ईस्टवुड, मार्टिन सोर्सी, क्रिस्टोफर नोलान और गुलेर्मो देल तोरो. तो जल्दी से आपको जाना है और 8 से 10 मिनट के अंदर ये लेक्चर खत्म करना है क्योंकि अगला लेक्चर भी हमारे साथ है. तो जल्दी से पार्टिसिपेट करिए हमारे साथ और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. 8 मिनट टू गो और 20+ शेयरिंग करवा दीजिए जिससे हमारा लक्ष्य भी पूरा हो जाए और इसी तरह से आपको चलना है. चलिए Who is the director of the Oscar winning movie The Shape of the Water? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए. और exactly आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है. Guillermo del Toro is the director of The Shape of the Water movie, जिस मूवी को ऑस्कर का बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया. 36 की तरफ चलेंगे. इन द ऑस्कर अवार्ड डैश मूवी won the category of the best animated feature film. Best animated feature film का award इनमें से किस movie को Oscar मिला है. जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. Best animated movie, animation movie, cartoon वाली movie, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना हो कार्टून वाली मूवी जो है इसमें से किस मूवी को दिया गया है. और बड़ी अच्छी मूवी है ये, जरूर देखिएगा. और 36 का राइट आंसर जो है आपको देना है. एग्जैक्टली जो लोग गुलेर्मो देल तोरो का नाम ले रहे हैं बिल्कुल सही है. लेकिन अब हम 36 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं. जल्दी से इसका उत्तर दीजिए और अब हम अपने इस इंपॉर्टेंट MCQ सेशन के लास्ट में आ चुके हैं, अंतिम छोर पर आ चुके हैं और जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. एग्जैक्टली कोको इज द राइट आंसर. 36 का राइट आंसर इज बी, दैट इज कोको. कोको इज द राइट आंसर. 37 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. प्लीज एडवर्टीजमेंट को हटा लिया जाए और स्टूडेंट्स को पूरा क्वेश्चन दिखाया जाए और टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा. बिल्कुल एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच. तो इन द ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर अवार्ड वॉज गिवन टू गैरी ओल्डमैन. तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड गैरी ओल्डमैन को दिया गया किस मूवी के लिए. किस मूवी के लिए गैरी ओल्डमैन को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया ऑस्कर के अंदर. जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. और द थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसोरी, डार्केस्ट आर, शेप ऑफ द वॉटर, डंकेक. और यहां पर गैरी ओल्डमैन ने विंस्टन चर्चिल का रोल निभाया था और विंस्टन चर्चिल का रोल निभाने के लिए गैरी ओल्डमैन को किस मूवी के लिए यह अवार्ड दिया गया. बिल्कुल. और टेक्निकल टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अक्षय भागवत जी को ब्लॉक कर दिया जाए. अक्षय भागवत जी को प्लीज यहां पर ब्लॉक कर दे इमीडिएटली. और अक्षय भागवत इनका नाम है. चलिए बिल्कुल नागपुर से जो है उनको प्लीज इमीडिएटली, आपको और आसान कर दिया आपके काम को, नागपुर जहां पे लिखा होगा ब्लॉक कर दीजिए उनको. 37 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का. डार्केस्ट आर
इज द राइट आंसर. 37 क्वेश्चन का राइट आंसर इज डार्केस्ट आर. बी इज द राइट आंसर. 38 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. विच ट्रेन इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रूट लेंथ. सबसे लंबी ट्रेन जो है रूट, लंबी ट्रेन का मतलब सबसे लंबा रूट जो है वो कौन सी ट्रेन का है, कौन सी ट्रेन का है वो नाम बताना है आपको. हावड़ा जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस, कन्याकुमारी जम्मू तवी हिमसागर एक्सप्रेस, कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस या गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस. आपको जल्दी से इसका आंसर देना है. 38 क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा. और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लग रहा है और हमारा मोटिव, हमारा ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए. और 38 क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी से दीजिए. और विश्वजीत साहा जी बिल्कुल सही उत्तर जो है आपका आ चुका है. और यहां पर चलिए 38 क्वेश्चन का राइट आंसर इज कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस. 38 क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस. आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड थ्री जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे. इनमें से कौन से शहर के अंदर तीन जोन का हेडक्वार्टर है, मतलब आपको बताना है तीन जोन का रेलवे हेडक्वार्टर कौन से सिटी के अंदर स्थित है, गुवाहाटी, मुंबई, न्यू दिल्ली या कोलकाता. जल्दी से उत्तर दीजिएगा यहां पर. चलिए विवेक एक्सप्रेस वॉज द राइट आंसर. विवेक एक्सप्रेस वॉज द राइट आंसर. 39 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और 10 क्वेश्चंस रह चुके हैं. इसी तरह से फटाफट खत्म करेंगे इन 10 क्वेश्चंस को. जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. और यहां पर आंसर आना शुरू हो चुका है, बिल्कुल. और कोलकाता इज द राइट आंसर. कोलकाता बिल्कुल सही उत्तर है. 39 क्वेश्चन का राइट आंसर इज कोलकाता. 40th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फेरी क्वीन द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इन रेगुलर ऑपरेशन प्लाइज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड. फेरी क्वीन नाम की ट्रेन जो है न्यू दिल्ली से लेकर कहां तक चलती है, जल्दी से उसका उत्तर दीजिएगा. दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टीम ट्रेन है, भाप वाली ट्रेन, सबसे पुरानी ट्रेन, और इसका उत्तर दीजिए आप. और कोलकाता बिल्कुल सही उत्तर था 39 क्वेश्चन का. 40वें क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कि फेरी क्वीन ट्रेन जो है दिल्ली से लेकर कहां तक चलती है. और यहां पर आंसर आना शुरू हो चुका है. चलिए तो यहां पर 40th क्वेश्चन का आंसर इज अलवर. 40th क्वेश्चन का 40वें क्वेश्चन का आंसर इज राइट आंसर इज बी, दैट इज अलवर. अलवर इज द राइट आंसर. 41 अस्ताना इज द कैपिटल सिटी ऑफ. अस्ताना कौन से देश की कैपिटल है, जल्दी से उत्तर दीजिए. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और जल्दी से समाप्त करेंगे आज के सेशन को. और जल्दी से आप लाइक और शेयर भी कर दीजिए. बिल्कुल सही, अलवर इज द राइट आंसर, नॉट शिमला, नॉट ग्वालियर. अलवर वॉज द राइट आंसर. 41 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं. अस्ताना कौन से देश की कैपिटल है, जल्दी से इसका उत्तर देना है आप सभी ने. और आपको आंसर यहां पर आ चुका है. और डी आंसर एग्जैक्टली, कजाकिस्तान इज द राइट आंसर. अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान. कजाकिस्तान की कैपिटल इज अस्ताना. रुफिया इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. इनमें से कौन से देश की करेंसी जो है वो रुफिया है. सिर्फ 8 क्वेश्चंस रह चुके हैं, उसको खत्म करके ही आज का शो खत्म किया जाएगा. रुफिया कौन से देश की करेंसी है ये आपको बताना है. म्यांमार, मंगोलिया, मालदीव या नेपाल, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. एग्जैक्टली तो यहां पर मालदीव जो है वो राइट आंसर आ रहा है. एग्जैक्टली रुफिया, अगर एफ वर्ड से आए तो रुफिया जो है वो किसकी करेंसी है, मालदीव की है. अगर आर यू पी आई वाई ए एच रुफिया आए तो वो कहां की करेंसी है, इंडोनेशिया की. अगर एफ वर्ड यूज हो तो वो मालदीव की करेंसी है रुफिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 43rd, which of the following is the capital city of Uzbekistan? Uzbekistan की capital city बताइए. और आपको यहां पर एक hint दे देते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत इसी शहर के अंदर हुई थी 1966 के अंदर. उज्बेकिस्तान की कैपिटल आपको बतानी है. एग्जैक्टली मालदीव बिल्कुल सही उत्तर है. उज्बेकिस्तान की कैपिटल बताइएगा आप इसमें से कौन सी है, ताशकंद, सना, आशकाबाद या दुशांबे. जल्दी से इसका उत्तर दीजिए. और बिल्कुल सही उत्तर सभी स्टूडेंट्स का आना शुरू हो चुका है. और 43rd का राइट आंसर इज ताशकंद. उज्बेकिस्तान की कैपिटल इज ताशकंद. ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी 1966 में. आगे चलते हैं. 44th, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड इन डैश पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इनमें से किस पार्ट के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो मेंशन्ड है. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से पार्ट के अंदर मेंशन्ड है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा. बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही, ताशकंद बिल्कुल सही. 44th क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल इनमें से किस पार्ट के अंदर मौजूद है, किस भाग के अंदर मौजूद है. एग्जैक्टली आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है. 44 का राइट आंसर इज डी, दैट इज पार्ट 4. पार्ट 4 इज द
राइट आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर में है। 45 की तरफ आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ही कानून हो पूरे देश के अंदर, हमारे किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर मेंशनड है, जिसके तहत जीएसटी को पेश किया गया था, इसी कानून के तहत जीएसटी को लाया गया हमारे इंडिया के अंदर। और आपको बताना है यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सिविल लॉ जो है, सिविल लॉ एक जैसा ही हो पूरे देश के अंदर, ये कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कहता है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। पार्ट फोर बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल अश्विन जी बहुत जल्दी करना पड़ेगा, अगला शो भी है, तो 45 का राइट आंसर जो है वो बिल्कुल सही, आर्टिकल 44। तो जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंडियन पॉलिटी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अनुच्छेद 44 से बिलोंग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो आपको बताना है कि इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसे कौन अपॉइंट करता है। आपको 46 क्वेश्चन का राइट आंसर देना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन अपॉइंट करता है, पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या लोकसभा के स्पीकर, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। और बिल्कुल चलिए आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। 47 फॉर द इलेक्शन कमीशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, हु एक्ट्स एज द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, आपको बताना है कि फॉर द इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के लिए जिला लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का काम कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग आरटीओ ऑफिसर का काम कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, तहसीलदार या नन ऑफ द अबव, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। आपको आंसर देना है कि जिला लेवल पे चुनाव आयोग का रिटर्निंग ऑफिसर का काम इनमें से कौन करता है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है 47 का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जो है वो एक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एक्ट करते हैं एज अ रिटर्निंग ऑफिसर फॉर इलेक्शन कमीशन इन डिस्ट्रिक्ट्स। बिल्कुल सही डीएम, बिल्कुल सही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 47A आंसर। देन व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुख्य चुनाव आयुक्त का टेन्योर टर्म कितना होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। इसके बाद सिर्फ दो क्वेश्चंस रह गए, उसको खत्म करके आज के इंपॉर्टेंट सेशन को खत्म करेंगे, और अगले सेशन के लिए जरूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और 48 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और 48 क्वेश्चन का आंसर जो है, चलिए यहां पर जो भी आपको साइंस का पोर्शन करवा रहे हैं वो साइंस का पोर्शन लेकर एमसीक्यू आपके सामने आएंगे, तो साइंस वाले टीचर ही आपके सामने साइंस को लेकर आएंगे। जो जो चैप्टर्स मैंने कराए थे उन्हीं चैप्टर्स का एमसीक्यूज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो यहां पर 48 का राइट आंसर इज सी, 5 ईयर्स की तरफ मत जाइएगा, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 वर्ष कार्यकाल के, या अगर उनकी उम्र 65 साल हो जाती है, जो भी पहले हो जाए वही उनका कार्यकाल होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो सी इज द राइट आंसर। 49 की तरफ आएंगे, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, तो चुनाव आयोग जो है, अभी चुनाव होने वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंदर मेंशनड है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। 49th का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। 49th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 324, आर्टिकल 128, 256 या 378, और बिल्कुल चलिए, तो यहां पे 49 का राइट आंसर इज 324 इज द राइट आंसर, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को मेंशन किया गया है। 50th क्वेश्चन का आंसर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हु वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी फेलिशिएटेड विद भारत रत्न, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई हस्ती का नाम बताइए, संगीत के क्षेत्र से भारत रत्न इनमें से पहले किसको मिला था, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे। आर्टिकल 324 इज द राइट आंसर फॉर 49th क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन का सही उत्तर आर्टिकल 324, और 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है कि संगीत के क्षेत्र से भारत रत्न पहले किसको मिला था, और यहां पर बिल्कुल सही उत्तर आना शुरू हो चुका है। और मुझे पता है कि यहां पर लता मंगेशकर की तरफ ज्यादा स्टूडेंट्स जाएंगे, तो लता मंगेशकर जो भी बोल रहे हैं, लता दीदी का नाम जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी वॉज द राइट आंसर, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी बिल्कुल सही उत्तर है, लता मंगेशकर रॉन्ग आंसर, लता मंगेशकर को इनके बाद मिला था, सबसे पहला किनको मिला था, एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो कार्नेटिक म्यूजिक तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, और इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है, और आने वाले सेशन के लिए जरूर जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।